नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि 2022-23 के लिए विकास दर पिछले फाइनेंशियल ईयर की तीसरी और चौथी तिमाही में बनी आर्थिक गति के आधार पर 7% के अग्रिम अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है। फरवरी में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इकोनॉमी के 2022-23 में 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह 8.7% थी। दिल्ली में CII के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, इस बात की संभावना है कि यह और भी अधिक हो सकती है। अगर पिछले साल की GDP वृद्धि दर 7% से थोड़ा ऊपर आती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। वर्ष 2022-23 के अनंतिम वार्षिक अनुमान 31 मई 2023 को जारी किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल शुरुआत में यह तीसरी तिमाही में दिखाई दिया कि एक दबी हुई मांग थी जो आर्थिक गतिविधियों का समर्थन कर रही थी, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में सभी आर्थिक संकेतक बताते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में गति बनी हुई है। दरअसल वास्तव में सभी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, उनमें से लगभग 70 जिनकी हमने भारतीय रिजर्व बैंक में निगरानी की, लगभग इन सभी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में चौथी तिमाही में गति बनाई रखी गई थी। उन्होंने कहा, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए RBI ने 6.5% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। वैश्विक परिदृश्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाई इन्फ्लेशन और बैंकिंग स्ट्रेस का सह अस्तित्व केंद्रीय बैंकों की प्रतिक्रियाओं को जटिल बना रहा है, क्योंकि वे फाइनेंशियल मार्केट में तनाव या हाई इन्फ्लेशन की लंबी अवधि को सहन करने के जोखिम के बीच व्यापार बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इन वैश्विक अनिश्चित के बीच भारतीय बैंकिंग सिस्टम मजबूत पूंजी और तरलता की स्थिति के साथ स्थिर और लचीली बनी हुई है। संपत्ति की गुणवत्ता, बेहतर प्रावधान कवरेज में सुधार और लाभप्रदता में सुधार हुआ है। श्री दास ने कहा कि नीतिगत दरों में बदलाव का फैसला उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि वह खुद जमीनी स्थिति से प्रेरित है। अप्रैल में रिजर्व बैंक के एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए पॉज बटन दबा दिया और प्रमुख बेंचमार्क नीतिगत दर को 6.5% पर रखने का निर्णय लिया। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक RBI मई 2022 से रुपए दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि करते हुए वृद्धि की होड़ में था। उद्योग मंडल CII द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए श्री दास ने कहा कि एक सुझाव है कि RBI आने वाली मौद्रिक नीति बैठकों में विराम लेगा। यह मेरे हाथ में नहीं है, यह सब जमीन पर स्थिति पर निर्भर करता है। मैं जमीन पर क्या हो रहा है उससे प्रेरित हूँ। जमीन पर दृष्टिकोण क्या है और रुझान क्या है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रही है या इन्फ्लेशन नरम हो रही है, तो यह सब वहाँ है, गवर्नर ने कहा। तो यह एक निर्णय नहीं है जो पूरी तरह से मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं जमीनी स्तर पर जो कुछ हो रहा है उससे प्रेरित हूँ, इसलिए आप जानते हैं, मुझे लगता है मैं इसे उस पर छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि दरों को बनाए रखने के अंतिम फैसले को एक विराम के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि दूरी के रूप में। एक उदाहरण का हवाला देते हुए श्री दास ने कहा कि कनाडा के रुकने के बाद इन्फ्लेशन में निपटने के लिए दरों में वृद्धि की गई है। ग्लोबल मार्केट पर उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी, भू राजनीतिक अनिश्चितता, हाई इन्फ्लेशन, अस्थिर फाइनेंशियल मार्केट, बैंकिंग क्षेत्र के तनाव, खाद्य असुरक्षा और ऋण संकट सहित अन्य से प्रभावित है। उल्टा ग्लोबल डेवलपमेंट में धीमी गति से वृद्धि हुई है। आपूर्ति श्रृंखला से सुगमता, इन्फ्लेशन में कमी, फाइनेंशियल मार्केट का सामान्यकरण और चीनी बाजारों को फिर से खोलना है, जिससे सभी भावनाओं में सुधार हुआ है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। वैश्विक उथल पुथल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया और भू राजनीतिक और घरेलू चुनौतियों का सामना करने के लिए अपेक्षित बफर तैयार किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है और केंद्रीय बैंक ने रुपयों का विनिमय दर को बनाए रखा है।
रुपए के इंटरनेशनलाइज के संबंध में उन्होंने कहा, आरबीआई ने 18 देशों में रुपयों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान की अनुमति दी है। 17 बैंकों ने 30 विशेष वोस्ट्रो खाते खोले हैं। एफडीआई पर उन्होंने कहा कि उन्हें मई में विदेशी पूंजी प्रवाह में तेजी की उम्मीद है। उन्होंने सभा को यह भी बताया कि आरबीआई अब तक के अनुभव के आधार पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी आर्किटेक्चर को ठीक कर रहा है। आरबीआई ने 1 नवंबर और 1 दिसंबर 2022 को थोक और खुदरा के लिए सीबीडीसी लॉन्च किया था, जबकि थोक सीबीडीसी का उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन के निपटान तक सीमित है। खुदरा एक रुपया को एक बंद उपयोगकर्ता समूह CUG के भीतर प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने वाले ग्राहक और व्यापारी शामिल हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।